ये संडे तो मेरे लिए सुपर से भी ऊपर रहा, क्योंकि इस संडे का दोनों मैचेस मिलाकर मैंने जीता 40 लाख रुपीस। मुझे पता है कि मेरा बोलने से आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को देखने के बाद चला जाना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि संडे का दोनों मैचेस में मैं कैसे और कहाँ पर टोटल 40 लाख रुपीस जीता। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मैच में ऐसा ही बड़ा अमाउंट विन करना है तो और एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज का मैच में कौन सा प्लेयर को लेना है, कौन सा खिलाड़ी को ड्रॉप करना है और कौन सा प्लेयर्स को जीएल में ट्राई करना है और कौन सा ऐसा प्लेयर्स है जिसको आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकती हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं मैच प्रेडिक्शन देना स्टार्ट करता हूं तब आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना जरूरी है। तो दोस्तों, जब मैं मैच प्रेडिक्शन देना स्टार्ट करता हूं तब आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना जरूरी है, क्योंकि जितना सारा प्रेडिक्शन मैं करके दूंगा हर एक पॉइंट आपको लिख कर नोट करके रख लेना है, नहीं तो लाइन आप आने के बाद आपका माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी यूजर्स नोटबुक और पेन लेके बैठ गया। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और हर एक प्लेयर्स को लेने के पीछे और ड्रॉप करने के पीछे मैं लॉजिक भी आप लोगों को समझा दूंगा। तो वीडियो को एक सेकंड भी गलती से स्किप ना करें। नंबर वन, शिखर धवन। देखिए, जितना सारा ओपोनेंट आपको मिलेगा स्मॉल लीग में, मैक्सिमम ओपोनेंट के पास शिखर धवन कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि आज का मैच में शिखर धवन एक एवरेज प्लेयर बनने वाले हैं, मतलब 20-25 उससे ज़्यादा स्कोर नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इसको आप लोग टीम पे लो, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई करो। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हार्दिक पांड्या ने शिखर धवन को एक बार, रोशिद खान ने 3 बार, लोकी फर्गसन ने 3 बार, जोसेफ ने 2 बार आउट करके रखा है। हार्दिक पांड्या को मैं हटा दिया, एक बार आउट करके रखा है और फिलहाल अभी बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे। बट रोशिद खान को भी अभी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर का बॉलर है और दोस्तों शिखर धवन ओपनर बैट्समैन है, तो रोशिद खान जब बॉलिंग करने के लिए आएगा तब शिखर धवन ऑलमोस्ट 30 से 40 बॉल खेल जाएगा, तो एक बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं। बट लोकी फर्गुसन और जोसेफ, जो कि शुरुआत का ओवर डालेगा, अगर लोकी फर्गुसन और जोसेफ के सही से नहीं खेल पाया ना तो शिखर धवन फिर से आज के मैच में फेल होने वाला है। तो टीम पे लो बट कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर है अग्रवाल। अग्रवाल आज का मैच में फायर करने वाला है, सो जीएल में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ऑब्वियसली ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप लोग पिक करना, ठीक है, वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकती हो। क्योंकि अग्रवाल को ना हार्दिक पांड्या ने 1 बार, रोशिद खान ने 1 बार आउट करके रखा है। हार्दिक पांड्या को गोली मारो, हटाओ, ये अभी बॉलिंग नहीं कर रहा है। बाकी रोशिद खान, इसको 1 बार आउट करके रखा है। बट गाइस, अग्रवाल भी ओपनर बैट्समैन है, रोशिद खान जब बॉलिंग करने के लिए आएगा तब अगर आउट भी ले लिया ना तब अग्रवाल अच्छा खासा मतलब रन बनाकर आउट हो जाएगा। तो अग्रवाल आज का मैच में मुझे एक सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन दिख रहे हैं और एक डिफरेंट पिक भी बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर है जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो लगातार मैचेस में फॉलोअप रहा और आज के मैच में फिर से फेल होने के लिए नजर आ रहे, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो को हार्दिक पांड्या ने 2 बार, लोकी फर्गसन ने 2 बार, जोसेफ ने 1 बार, सामी ने 1 बार, मतलब ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स ने इसको आउट करके रखा है। तो कितना सारा बॉलर्स को भाई टिक कर खेलेगा, ऐसे तो कोई ना कोई इसको उठाकर लेके जाएगा। नेक्स्ट प्लेयर से लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन आज का मैच में ठीक ठाक खेलेगा, अगर इनका फास्ट बैटिंग आ गया तो लिविंगस्टोन आज का मैच में फिर से एक बड़ा इनिंग्स जोड़ सकती है। बाकी बैटिंग सेकंड करते हो लिविंगस्टोन का फॉलोअप होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। रोशिद खान ने लिविंगस्टोन के 3 बार आउट करके रखा है, लोकी फर्गसन ने 1 बार आउट करके रखा है और हेड टू हेड मैचेस में लिविंगस्टोन ने 46 का स्कोर किया था। और मैं आप लोगों को बताया था कि उस मैच में लिविंगस्टोन मारने बॉलर, वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज भी अगर फास्ट इनिंग पे लिविंगस्टोन का बैटिंग आया तो आज का मैच में भी थोड़ा बहुत स्कोर करेगा, और बॉलिंग अगर करेगा तो विकेट तो अभी इसको नहीं मिल रहा तो वो छोड़ ही दो, ठीक है, बाकी बैटिंग से थोड़ा बहुत अच्छा खेल सकती है। नेक्स्ट प्लेयर है सुमन गिल। सुमन गिल आज का मैच में फायर करने वाला है। अगर आप लोग बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन मतलब मेरे को पूछोगे कि भाई आज का मैच में किसको सेफ रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन देने का, तो मैं बताऊंगा भाई सुमन गिल। सुमन गिल का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के पीछे मैं आप लोग रीजन बताता हूँ। ये बंदा हेड टू हेड मैचेस में
96 स्कोर किया था, चार रन की वजह से, मतलब इसका 100 अटैक किया। ठीक है, ये सिंह जो कि खेलेगा या नहीं खेलेगा कोई अभी कंफर्म नहीं, इसको एक बार आउट किया, राहुल चहर ने दो बार और रबाडा ने एक बार, मतलब एवरेज है, मतलब बॉलर्स उतना इसको आउट नहीं कर पा रहे। तो शुभमन गिल आज के मैच में फिर से फायर कर सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ठीक ठाक खेलेगा, बाकी अभी तो बॉलिंग नहीं कर रहे। अगर दोस्तों लाइनअप आने के बाद देखा जाए कि इनका टीम का ज़्यादा बॉलर्स नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या को मिला के अगर पांच बॉलर खेलेगा तो आप लोग हार्दिक पांड्या को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो, उस सिचुएशन पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर सकते हैं। बट अभी जो ट्रेंडिंग सिचुएशन चल रहा है दो तीन मैचेस का अगर हम उठा के देखें तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे, बट बैटिंग से उतना खास प्रदर्शन नहीं करेगा, 20-25 करके आउट हो सकते हैं। और हेड टू हेड की अगर हम बात करें लास्ट मैच में 27 और 1 विकेट लिया था। ठीक है, मिलर की अगर हम बात करें, मिलर आज का मैच में फिर से फायर करने वाला है, अगर ये नंबर 4 पे आ गया तो ऑब्वियसली 20-25-30 आराम से स्कोर कर देगा, एज ए साइड पिलर काम बन जाएगा। और अगर ये अगर नंबर 4 पे आएगा और इसका टीम अगर पहले बैटिंग करेगा तो इसको जीएल में वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, क्योंकि मिलर एक ऐसा बैट्समैन है चलेगा तो पूरा फोड़ देगा, अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, और वही पे अगर फेल्ड हुआ ना तो भाई 5-10 में आउट हो जाएगा। अगर इसका साथ अगर प्लेयर्स बैटल किया अगर हम देखें तो संदीप शर्मा ने सिर्फ एक ही बार आउट किया और बाकी ऐसा कोई बॉलर्स नहीं है जिसने मिलर को आउट करके रखा है। नेक्स्ट शाह की अगर हम बात करें, शाह को रबाडा ने एक बार आउट करके रखा है, तो शाह भी आज का मैच में अच्छा खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे बैट्समैन की बात, अब बॉलर्स का मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए रोशिद खान ने हर एक बैट्समैन का आउट करके रखा, तो रोशिद खान आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। लोकी फर्गसन ने भी हर एक बैट्समैन को 2-3 बार आउट करके रखा, तो लोकी फर्गसन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस साइड से रबाडा जो कि हर एक बैट्समैन को आउट करके रखा है, तो ये जो तीन बॉलर रोशिद खान, लोकी फर्गसन, रबाडा, तीन बॉलर आपको लेना है। बाकी अगर आप जीएल खेल रहे हो, रिक्स लेना अगर आपको पसंद है, तो संदीप शर्मा, ए सिंह जो भी खेलेगा उसको पिक करना, और साथ ही साथ राहुल चहर को भी आप लोग टीम पे शामिल कर लेना। तो यही रहा था दोस्तों आज का हमारा प्रेडिक्शन, और चाहो तो जीएल में जोसेफ की भी आप ट्राई करो, क्योंकि जोसेफ ने जॉनी बेरस्टो, शिखर धवन दोनों प्लेयर्स को मतलब 2-3 बार करके आउट करके रखा है, तो जोसेफ अगर खेलेगा तो इसको भी जीएल पे पिक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया, थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया कि किसको लेना है, किसको ड्रॉप कर देना है। जैसे शिखर धवन के बारे में आप लोगों को बताया, अग्रवाल के बारे में डिफरेंट पी आप लोगों को बता दिया, मतलब किस सिचुएशन पे किसको लेना है वो भी मैं आप लोगों का क्लियर कर दिया। और बाकी रहे हमारा फैंटेसी टीम, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो और बस बाकी स्पोर्ट का भी मजे लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया है, तो एक लाइक करके और कमेंट करके जाना। ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं और एक ऐसा ही नया वीडियो में।